एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्विनिंग ट्विन्स। कैसे हैं आप सब? और आज की वीडियो, जैसे कि आप लोगों को टाइटल देख के पता लग गया होगा, मैं करने वाली हूँ रेड फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। आज ओनली मैं 24 आवर्स खाने वाली हूँ रेड फूड। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो में। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए आप लोगों को क्विकली दिखा देती हूँ कि कल मैंने ग्रोसरी स्टोर से क्या क्या पिक करी है। मैं पहले जब 3-4 क्लास में पढ़ती थी तब मैगी अगर ऐसा रहता था तभी मैं खाती थी। मतलब अगर मम्मी मैगी को तोड़ तोड़ के बॉयल किया तो एकदम छोटा छोटा पीस हो जाता था, तो मुझे वो एकदम पसंद है। तो मैं पूरा एक एक मैगी को ऐसे खाती थी फिर खाती थी। खुली नहीं रहा है।
ये तो फिर से नहीं खुल रहा। नहीं नहीं, ये स्ट्रॉबेरी, ये तो वाइट निकला। मैं कैसे यूज करूँ इसको? एक आइडिया है लेकिन मेरे पास, इसको अगर बीटरूट वाला जूस में अगर मिक्स कर दूँ, मतलब थोड़ा सा इसमें मगर मिला दूँ तो शायद ये जल्द हो जाए। मैं ट्राई करके देखती हूँ। अब मेरा स्किन का तो बैंड बन ये वाला है, फिर भी इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि स्किन केयर तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ कर नहीं सकती। इतना अच्छा दिखाया है इसमें रेड कलर का और दे दिया है वाइट, वही करती हूँ पहले। मैंने यहाँ ले लिया है एक बीटरूट का पीस, अब इसको देखती हूँ अगर हुआ तो। मुझे तो लगता नहीं ये रेड कलर का होगा, बट फिर भी ट्राई करती हूँ अगर हो गया तो। फट जा रहा है, बाप रे, ये रेड होगा नहीं लगता मेरे को। अगर इसमें मैं बीटरूट का जूस डाल दूंगी ना तो डेफिनेटली मेरा फेस भी रेड हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे करके ट्राई कर रही हूँ ताकि हल्का हल्का रेड होने से भी चलेगा बट पूरा ना होए। अगर मेरा फेस रेड हो गया तो फिर हाँ पता है ये पूरा फुल रेड चैलेंज हो जाएगा अगर मेरा फेस रेड हो गया तो, बट नहीं वैसा मैं कर नहीं सकती। मेरी मम्मी मेरे को घर से बाहर निकाल लेगी, बोलेगी ये रेड चेहरा लेके तुम बाहर रहो। क्या ये रेड हो रहा है? मैं ना थोड़ा होल कर देती हूँ तब इसका जूस निकलेगा अच्छे से। अब आया मेरा नेल्स काम, ये रेड हो ही नहीं रहा है। हो गया ये रेड, अब इसको मैं लगाऊंगी। तो मैंने अपने हेयर ट्राई कर लिया है अच्छा से ताकि मैं इसको अप्लाई कर पाऊँ। तो ये पूरा रेड तो नहीं हुआ बट ठीक है, इसी से काम चला लेती हूँ क्योंकि ये भी डर है कि मेरा फेस ना रेड हो जाए। तो कैसे लगाऊँ? ये मेरा फेस से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को इस चैलेंज के लिए? इससे तो लग नहीं रहा कि मेरा पूरा फेस रेड होगा, रेड नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है कि इसको 15 मिनट तक ऐसे रहने देना है, उसके बाद मेरे को मसाज करना पड़ेगा। तो मैं इसको 15 मिनट तक ऐसे ही रहने देती हूँ। तो हो गया है 15 मिनट, अब इसको रिमूव करके मेरे को फेस में मसाज करना पड़ेगा। वाओ! तो अब मैं फेस में मसाज करूँगी। मसाज करने तो मेरे पास आ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जो तो कर दे रही हूँ। और ये एब्जॉर्ब भी हो रहा है पूरा फेस पे। जितना ज़्यादा वाटरी था अभी उतना ज़्यादा उसका टेक्सचर नहीं है, अब पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है ये अच्छे से। तो हो गया, ये सारे इसको वॉश करना है, एक बार देख लेती हूँ क्या करना है। इसको और कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। तो हो गया मेरा फ्रूट फेशियल कंप्लीट। तो अब मुझे कुछ रेड कलर का पीना पड़ेगा क्योंकि पानी तो मैं पी नहीं सकती, रेड फ्रूट चैलेंज है। तो अब मैं कुछ रेड कलर का पी लेती हूँ, फिर लंच की तैयारी करूंगी। और लंच होने वाला है आज बहुत ही ज्यादा घटिया। अभी मैं पीऊंगी ये
एलो फ्रूट जूस, बहुत ज़्यादा जोर से प्यास लगा मेरे को, तो इसका टेस्ट कैसा होता है देखती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मुझे रेड कलर का कुछ मिला नहीं, मैंने यही ले लिया। और वो स्ट्रिंग जो कोल्ड ड्रिंक मिलता है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है, तो मैं वो कुछ भी हो जाए नहीं खाऊँगी, नहीं पीऊँगी, सॉरी। बंगाली में हर चीज़ हम लोग खाते हैं, कुछ पीते नहीं है। ज़्यादा बकवास है, मतलब ये अनार का जूस तो है, उसका थोड़ा बहुत टेस्ट आ रहा है, बट वो एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कफ सिरप मिलता है ना, पूरा उसी का टेस्ट लग रहा है, और थोड़ा बहुत अनार का, और साइड में थोड़ा थोड़ा अनार का फल भी है। जेली जेली का तो थोड़ा है, पर मेरे को उसका एक चीज़ अच्छा लगा, इसमें इसका अनार का फल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, मतलब वो फल था कि जेली है मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, बट वो मेरे को अच्छा लगा, उसका टेस्ट अच्छा है। कैसे मैं इसका पल का अच्छा हूँ, मतलब इसमें पूरा पूरा भरा हुआ है पल। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच का प्रिपरेशन करने, और लंच होने वाला है आज बीटरूट के साथ, जो कि मुझे एकदम नहीं पसंद, देखती हूँ क्या होता है उसका। तो मैंने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में ले लिया है बीटरूट, अब इसको पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद ये पूरा खून जैसा दिख रहा है, फिर भी मुझे ये खाना पड़ेगा। यहाँ मम्मी ने ले लिया है आटा, अब इसमें बीटरूट का पेस्ट डाल के मम्मी बनाएगी पूरी। लंच तो हो गया मेरा बहुत अच्छा, और नेक्स्ट डिनर की बारी। डिनर में तो कुछ अच्छा ही खाऊंगी मैं, क्योंकि ये बीटरूट से और खाना नहीं खा सकती, मतलब फिर भी इसमें बीटरूट का टेस्ट तो नहीं आ रहा है, बट फिर भी एक लगता है ना कि मैं बीटरूट खा रही हूँ, तो अजीब सा लगता है, खाने का मन नहीं करता है, वही हो रहा है मेरे साथ। और मम्मी बोल रही थी कि बीटरूट का जूस बना देती हूँ, वो पी लेना। मैंने बोला प्लीज़ मम्मी ये सब मत करो, वरना मैं ये चैलेंज ही नहीं करूँगी, मतलब लिटरली कोई बीटरूट का जूस पीता भी है। मम्मी ने मुझे अभी वाटरमेलन काट के दिया है, तो ये रेड फ्रूट चैलेंज है, तो ये तो रेड कलर का, तो ये तो मैं खा ही सकती हूँ।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा आज हेल्दी फूड खा रही हूँ इस रेड फूड चैलेंज में। अच्छा ही है इस चैलेंज के चक्कर में हेल्दी खाना खाना हो जा रहा है। और मैं देखा हूँ भैया का लैपटॉप, वो तो अभी घर में नहीं है, उसका लैपटॉप भी मेरा हुआ। चौको का मम्मी के साथ बहुत अच्छा फोटो है, मस्त फोटो है ना। सो गाइस अभी हो गई है शाम और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो इवनिंग स्नैक्स में मैं खाऊंगी ये मॉम्स का क्रीमी टोमेटो पास्ता। ये इंस्टेंट वाला है तो इसको उतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस शायद गर्म पानी डालना है और बनाना है। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, हाँ इसमें बस गर्म पानी डालना है और 8 मिनट तक वैसे ही इसका ढक्कन लगा के बंद करके रख देना है। तो बनाती हूँ, ये देखती हूँ कैसा टेस्ट है इसका। आई थिंक इसका कलर रेड होगा और अगर रेड नहीं हुआ तो मैं नहीं खा पाऊँगी। इसके अंदर 1, 2, 3 पैकेट्स है, आई थिंक एक में पास्ता है, तो मैंने यहाँ पे पास्ता डाल दिया है, छोटा छोटा क्यूट सा पास्ता है। फिर इसमें मसाला भी डालना है तो वो भी मैंने डाल दिया। अब गर्म पानी डालना है, वो एक लाइन है वहाँ तक बस डालना है, तो मैंने गर्म पानी भी डाल दिया। इसको मिक्स करके अभी 8 मिनट तक ऐसे ही बंद करके रख देती हूँ। 8 मिनट हो गया है, अब इसको खोलती हूँ, देखती हूँ कैसे बनी। स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है पर ये बहुत अच्छे से हो भी गया है। अब इसमें डालना है ये इटालियन मसाला, फिर इसको मिक्स करना है। अब मिक्स करके खाने बैठती हूँ मैं, तो अभी इसको टेस्ट करके देखती हूँ। इसका स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा क्रीमी लग रहा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ये इंस्टेंट पास्ता, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत बार इंस्टेंट नूडल्स खाया है तो मेरे को सोचा इतना अच्छा नहीं लगता, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे को पड़ा था 75 रुपीज़ और इतना अच्छा पास्ता तो कोई रेस्टोरेंट में भी 75 रुपीज़ में नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। और ये एक चीज के लिए सफिशियंट है, इतना ज़्यादा नहीं देता है, मतलब पूरा ये फिल नहीं रहता बट यहाँ तक रहता है, तो ये एक जन के लिए सफिशियंट है। बहुत अच्छा टेस्ट है, वाइट सॉस पास्ता का जैसे टेस्ट आता है पूरा इसका वैसा ही टेस्ट है। इसमें टोमेटो सॉस का कोई टेस्ट नहीं है बट इसका कलर रेड है तो मैं ये खा सकती हूँ। लास्ट मैंगो चैलेंज में मैंने इतना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खा पी लिया था कि मेरा पूरा गला बैठ गया था, तो इसीलिए ये चैलेंज में कोई भी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम का कोई भी सीन नहीं है। पीने के लिए वो अनार का जूस है वही पीऊँगी और वो तो सफिशियंट नहीं होगा पूरा दिन के लिए, तो वाटरमेलन जूस बना लूँगी बस, वो भी ठंडा नहीं पीऊँगी, नहीं तो पूरा गला बैठ गया तो मेरा हालत ख़राब हो गया था। मैं आज डिनर में, मम्मी ने बहुत ज़्यादा दे दिया है।
ट्राई करके देखती हूँ। मुझे पता है मम्मी ने बनाया तो अच्छा ही होगा, फिर भी ट्राई करती हूँ। और अच्छा बना है मम्मी, सारा खाना ही बहुत अच्छा बनाती है, तो अलग से बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है बोलने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा खाना अच्छा बनता है तो अब कितना बार बोले कि मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। छोटी चिकन खा के देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा। तो गाइस इसी के साथ मेरा हो गया रेड फूड चैलेंज कंप्लीट। कर लिया मैंने ये ठीक ठाक तरीके से, वो फेस सीट मार्क्स उसके चलते थोड़ा फ्लॉप हो गया था, बट फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। सो आई होप गाइस यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या मैं पसंद नहीं हूँ आपको? अगर हूँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि चैलेंज तो कम्प्लीट हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय।